हाल फिलहाल में एक डच साइंटिस्ट ने ये भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। भूकंप तो आया, लेकिन ये दो अलग अलग जगहों पर आया। आपको बता दें, इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत बुरा हाल है। पहले से कई समस्याओं से ग्रस्त अफगानिस्तान में भविष्यवाणी इसकी सही साबित हुई है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इसके भविष्यवाणी के अनुसार अगला नंबर किसका होगा। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ एशियन गेम्स में क्या भारत के साथ चाइना ने चीटिंग की है, और वो भी नीरज चोपड़ा मामले में। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, नीरज चोपड़ा का चेहरा काफी उदास दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि चाइना के अधिकारियों के साथ उनकी कुछ बहसा बहसी हो रही है। जानेंगे क्या था मामला और कैसे ये सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गया है। जियो पॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक भविष्यवाणी की थी और इस भविष्यवाणी में इन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के आसपास के इलाके में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा और ये भूकंप खतरनाक होगा। हालांकि जैसे उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के अंदर तो बवाल मचना शुरू हो गया था, सोशल मीडिया पर ये चीजें तैरने लगी थी, पाकिस्तानी सरकार तक को सामने आना पड़ा था और उन्होंने बोला था जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि कहां पे अर्थक्वेक होगा, कहां पे भूकंप होगा और कहां पे नहीं होगा। लेकिन उनकी भविष्यवाणी सही साबित हो गई। लेकिन ये जो सही साबित हुई है वो दूर में हुई, नेपाल, जहां 6.2 रिएक्टर स्केल पर आया भूकंप और जिसकी चरमराहट भारत के दिल्ली और NCR में भी देखने को मिला। पर आपको बता दें, अभी ये मामला थमा नहीं था, लगा कि शायद नेपाल और इंडिया में हल्का सा ये भूकंप का झटका आया और अब मामला खत्म हो गया, वैसा कुछ नहीं आया। आपको बता दें, जैसा कि तुर्की और सीरिया में इनकी भविष्यवाणी सही साबित हो गई, वैसा ही ये भविष्यवाणी सही तो साबित हुई लेकिन ये अफगानिस्तान में हो गई है। अब डर इस बात का है कि नेपाल के बाद अफगानिस्तान में हुई है, अफगानिस्तान के बाद किस देश का नंबर है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने जो बताया है, ये भूकंप कोई साधारण भूकंप नहीं है, भूकंप पश्चिमी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंपों में है और मरने वालों की संख्या कितनी है, 2000 से ऊपर है, वो भी तब, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जब अभी जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको निकाला नहीं गया है। 20 साल में आए सबसे घातक भूकंपों में से एक है। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है उनका कहना है 6.3 तीव्रता वाला ये शक्तिशाली भूकंप आया और इस भूकंप के बाद तेज झटके आए और इस झटकों ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। कहा जाता है जो भूकंप, पहला भूकंप जो होता है, धरती कांपती है, तो उससे ज्यादा उसके बाद के जो झटके आते हैं ना, वो जान ले लेते हैं। कारण होता है, पहले बार में कुछ दरारें पड़ी हुई रहती है और जब बाद में तेज के झटके आने लगते हैं ना, तो वो दरारें बड़ा रूप ले लेती हैं और मलबा बहुत ज्यादा गिरता है, घर वगैरह ध्वस्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है और ये छोटा मोटा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है 6 गांव थे जो नष्ट हो चुके हैं, सैकड़ों नागरिक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। UN ने शुरुआत में कहा कि मात्र 320 लोग मरे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, आंकड़ों की अभी भी पुष्टि चल रही है, क्योंकि अब तो मलबे से जो बाहर मिले हैं उनकी संख्या ही 2000 से ज्यादा बताई जा रही है, जब मलबे से निकाला जाएगा तो उनकी संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी। भूकंप की वजह से 465 घर बताया जा रहा है नष्ट हो चुका है, 135 और चीजें हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी। कहां पर था इसका सेंटर, तो भूकंप का केंद्र था हेरात शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम, और पहला भूकंप उसके बाद तेज झटके आने लगे, 3-4 तेज झटके थे, तेज झटके की भी तीव्रता तेज ही थी, 6.3, 5.9, 5.5, और उसके बाद कई छोटे छोटे झटके महसूस किए गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सारे घायलों का इलाज किया जा रहा है। WHO कह रहा है कि हमने यहाँ एम्बुलेंस भेज दिए, हम लोगों की मदद के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। खैर, अफगानिस्तान की तो वैसी ही स्थिति गड़बड़ है,
इस वक्त बहुत सारी समस्याएं अफगानिस्तान के अंदर हैं, जैसे कि अभी व्यापार भी बंद है पाकिस्तान से, ऊपर से खाने पीने की चीजें संकट तो भरा पड़ा है, अब ये एक नया संकट आकर खड़ा हो गया है। खैर, जहां अफगानिस्तान में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एशियन गेम्स इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। आपको बता दें, भारत ने एशियन गेम्स में अपना अब तक का सबसे बढ़िया वाला परफॉर्मेंस दिया। ये देखने को मिला कि पीएम मोदी भी बार बार शेयर कर रहे थे भारत की हर जीत को, और जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को देखेंगे आप तो टॉप की पोजीशन में चाइना रहा, हालांकि एशियन गेम्स में लगभग ऐसा ही रहता है। और इन टॉप के पोजीशन में कितने मेडल के साथ चाइना रहा, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर, 71 ब्रॉन्ज, और इसके साथ ये हुआ 383 इसे मेडल मिले। वहीं जापान दूसरे नंबर पर रहा, 52 गोल्ड, 67 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज, और तीसरे में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चौथे में रहा भारत, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। उसके बाद उज्बेकिस्तान है, और सबसे अच्छी बात मुझे इस लिस्ट में लगी कि उज्बेकिस्तान की तरफ से भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। और सबसे अजीब बात ये लगी कि ताइवान को यहाँ पर चाइना ने चाइनीज ताइपेई के नाम से संबोधित किया है। भारत के लिए ये बढ़िया बात ये इसलिए थी क्योंकि भारत ने पहली बार 100 से ऊपर मेडल एशियन गेम्स में लिए। अब चाइना किस तरीके से जला भुना था उसको आप ऐसे देखिए, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये नीरज चोपड़ा की तस्वीर है जो चाइना में चल रहे एशियन गेम्स में पहुंचे थे, और यहाँ पर ये बड़े ही उदास दिख रहे हैं क्योंकि जेवेलिन पहली बार जब इन्होंने फेंका, चाइना के अधिकारियों ने बोला कि हम माप नहीं सके। ये सेकेंड दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी ये कह रही है कि टेक्निकली कुछ गलती हो गई है, हम तुम्हारे दूरी को माप नहीं सके हैं, तुम्हें फिर से फेंकना होगा। और ये वो छह समय है जब अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नीरज चोपड़ा बहुत उदास दिख रहे हैं। दूसरी बार इन्हें फिर से फेंकना पड़ा, और इस बार उनकी जो रेंज थी वो 88.8 मीटर की हुई। दूसरी बार में इन्हें विजेता घोषित करना पड़ा, यानी पहली बार चीटिंग करने की कोशिश करी चाइना ने। क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि नीरज चोपड़ा से पहले जो खिलाड़ी आए उसकी मेजरमेंट हो गई, नीरज चोपड़ा के बाद जो खिलाड़ी आए उनकी मेजरमेंट हो गई, लेकिन नीरज चोपड़ा के मामले में ही टेक्निकल फॉल्ट हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, सोशल मीडिया में बहुत तरह के प्रश्न किए जाने लगे थे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।